विंटर में गंगोत्री आने का मेरा गोल पूरा होने के बाद आई स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स हर्षिल व्हिच इज अ स्मॉल विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी रिवर सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 9000 फीट फ्रॉम द सी लेवल हर्षिल लाइज 78 किलोमीटर्स फ्रॉम उत्तरकाशी एंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गंगोत्री नेशनल पार्क द हिल स्टेशन इज वेल नोन फॉर इट्स नेचुरल एनवायरमेंट एंड एप्पल प्रोडक्शन और हाँ इसको भी मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं इंडिया का। एक तो इंडिया में हर अच्छे हिल स्टेशन को मिनी स्विट्जरलैंड या किसी ना किसी फॉरेन लोकेशन का मिनी वर्जन बना देते हैं लोग, विच आई रियली फाइंड अब्सर्ड। कंपेयर ही क्यों करना इतनी मस्त जगह किसी और जगह से। ये है जहाँ आज मैं स्टे करने वाला हूँ। एक गांव है छोटा सा और ये है मेरा आज का स्टे, सुंदर होम स्टे। सुंदर होम स्टे सुंदर भी होगा, देख रहे हो जगह। अभी मैं हूँ हर्षिल में और ये है मेरा होम स्टे और यहाँ मैं आज रुकने वाला हूँ। पीछे का व्यू देखो, अमेजिंग व्यू है, मस्त। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर कपल ऑफ आवर्स आई डिसाइडेड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द विलेज। Beautiful village of Hershel promotes ecotourism where tourists can experience these calm and serene environment along with learning about the rustic way of life, customs and beliefs of the community that lives here. Hershel remains pleasant during summers and reaches freezing point during winters. So abhi Hershel mein hum hain to abhi ja rahe hain hum log thoda sa chicken lene ke liye. तो चिकन बनाएंगे, आज पहाड़ों में चिकन खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये होमस्टे वाले जो चिकन बना के मुझे देंगे बोल रहे इन्होंने। तो अभी जा रहे हैं मार्केट से चिकन लेने के लिए और ये व्यू देखो। सारा व्यू दिखता है। हाँ क्या? अरे आप जाओगे मजे आ जाएगा। कल मैं हूँ यहाँ पे वैसे तो। कल यही हो? हाँ हाँ ठीक, कल चलेंगे फिर। कल अगर गेस्ट नहीं होंगे। ये पोस्ट ऑफिस है, जाओ लम बने जी राम तेरी गंगा मेली। राम तेरी गंगा मेली यहाँ पे, ये पोस्ट ऑफिस। अच्छा, गंगोत्री उस साइड हो गया ऊपर। गंगोत्री तो जाके आया हूँ अभी। हाँ क्या है? हाँ सुबह ही निकल के जाके आया। सबसे पहले ये काम निकाल दिया आपने, बढ़िया। आज कल थोड़ा हवा हो रही है, ऐसे मौसम आज हवा ठंड बहुत ज़्यादा है अभी तो। हवा चल रही पड़ी पर पांच बार आधा दिन से बर्फ पड़ी। अच्छा अच्छा, बस बस पांच ही बार पिघल गई। और पिछले साल जो है 4 फीट 5 फीट बर्फ थी। अच्छा, पिछले साल हम पैदल गए यहाँ से थर्ड गंगनानी तक। There are numerous devdar and apple trees in Hershel and it's known for its apple orchids. The region receives snowfall from December to March. पिसा करता था इसमें घट पानी के द्वारा पिसा करता ये वाला। अरे हाँ, ये मैंने किसी वीडियो में देखा हुआ है कि पानी से गेहूं पिसते हैं वो। चक्की पानी से चलने वाली चक्की है। आटा निकल रहा। अच्छा, अब खत्म हो गया, बहुत पुराने लोग करते थे इनको ना। अच्छा, अब सब नया फैशन आ गया। तो कल जाने वाले वहाँ लामा टॉप पे ऊपर है और थोड़ा बहुत आसपास का जो भी एरिया है घूमेंगे, नदी किनारे जाएंगे, आराम करेंगे, चिल करेंगे, थोड़ा सा धूप का मजा लिया जाएगा। और अभी जाके खाना वाना बना के चिकन बनाएंगे। बस कैसा है चिकन? थोड़ा ना ड्राई वाला बना, ड्राई वाला सूखा बनाएंगे। हाँ। बढ़िया ग्रेवी में हल्का बस प्याज और हरी मिर्च डाल के वैसा बनाएंगे। बस बस प्याज टमाटर हरी मिर्च सब। और ये रहा हमारा होम स्टे। होम स्टे है ये। नंबर सारी डिटेल्स इस पे है, आना हो तो।
तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, खाना खा के उसके बाद कल सुबह मिलता हूँ, कल यहाँ पे आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मेरा दूसरा दिन हर्षिल में। मैं 3-4 दिन से कंटिन्यूसली राइड कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्रेक दिया जाए, थोड़ी थकान भी हो गई थी। तो कल बहुत ही अच्छे से खाना खा के मस्त सोए थे, तो अभी 11:30 बजे मैं उठा हूँ, बहुत मस्त नींद हो गई है। और अभी जो वेदर है बहुत ही अमेजिंग है, अच्छा खासा देख रहा हूँ, पीछे सनलाइट है और बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल, तो हल्की हल्की हवा चल रही है, अदरवाइज़ ठंड नहीं है। रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मैं 4-5 बजे के आसपास उठा था नाइट लैप्स बनाने के लिए, बट थोड़ी देर रुका और फिर वापस अंदर जाके सो गया, क्योंकि -3-4 के आसपास टेम्परेचर था। तो मैंने 1-2 फोटोज़ क्लिक की हैं बस यहाँ की, और उसके अलावा मैं जाके सो गया, क्योंकि आज बनाऊँगा मैं सोचा आज रेस्ट ले लेता हूँ और फिर कल देखते हैं ये सारी चीज़ें, एक दिन तो रेस्ट ज़रूरी है। और अभी का प्लान ये है कि अभी 12:30 बज गए हैं और अभी मैं आसपास की जगहों को थोड़ा सा घूमने जाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पे जो रिवर के पास में जो जगह है थोड़ी सी सैंडी और बीच टाइप की, वहाँ पे जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ जाएंगे थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, उसके बाद लामा टॉप जाएंगे ट्रैक करने और फिर मार्केट वगैरह घूम के वापस शाम को यहीं आना है, यहाँ डिनर वगैरह करेंगे। अब कल का प्लान देखते हैं क्या होता है, और मैं आपको ये जो होम स्टे है इसका भी अच्छे से एक टूर दे दूंगा, ताकि अगर आपको फ्यूचर में आना हो, अगर आपको पसंद आए तो आप आ सकते हो इनसे कॉन्टैक्ट करके। ऑलराइट, सो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद आगे का प्लान देखते हैं क्या होता है। अब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, मैं आपको एक टूर दे देता हूँ इस होम स्टे का। सो ये तो है बैठने की जगह थोड़ी बहुत, ठीक है, और ये सामने का है बॉनफायर के लिए। ये जो छोटी सी शॉप टाइप की है, सुविनियर्स या फिर कपड़े वुलन क्लोथ्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये पूरे एप्पल ऑर्किड्स हैं ये आजू बाजू ये सारे, और ये सामने ऊपर कुछ रूम्स हैं और नीचे कुछ रूम्स हैं। तो मेरा रूम तो एक है जो सिंगल बंदे के लिए, बट वहाँ पे डबल बेड रख सकता है, और मतलब दो लोग आ रहे तो उसके लिए। उसके अलावा इनके पास एक और ऑप्शन है, और ये है इनका किचन और यहाँ डाइनिंग एरिया, आप यहाँ पर बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और ये देखो रूम, सो ये इस रूम में क्या है कि 2 डबल रूम है और इसमें आपको किचन भी मिलता है साथ में, और ये बैठने के लिए एरिया। सो ये सारी थोड़ी बहुत अमेनिटीज इसमें मिलती हैं। तो ये एक रूम, एक ये, तो अगर 4-5 लोग आ रहे हैं तो आराम से एक फैमिली रह सकता है यहाँ पे। और ये वॉशरूम भी है, और ये किचन दिया उन्होंने पूरा गैस के साथ, तो अगर आप खुद कुक करना चाहें तो कर सकते हैं। ये फायर प्लेस है, तो अगर ज़्यादा ठंड है तो यहाँ पर आग भी जल सकती है, या फिर ये हीटर भी दे रखा है इन्होंने, और ये बैठने के लिए जगह है। तो ये कुछ ऐसा है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, और टीवी दे रखा है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो अपना नॉर्मल चाहिए होता है अगर आप बाहर आते हैं तो। उसके अलावा ये बाहर बैठने के लिए है, और ये सामने का एरिया, और सामने से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। सो ओवरऑल मुझे जगह बहुत ही पसंद आई। सो अगर आपको आना है तो इसका लिंक और इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट करूँगा यहाँ बैठ के, और व्यू का मज़ा लूँगा इस तरह के, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। तो अभी मैं अपने जो भी मेरा होम स्टे था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि रास्ते में आते हुए वो जगह पड़ती है, हेलीपैड है वहाँ पे एक, और वहाँ से रिवर का जो फ्लो है बहुत काफ़ी ज़्यादा कम है, और बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है रिवर और पानी थोड़ा सा कम है। तो मैं सोचा क्यों ना वहाँ जाया जाए, तो और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ पीछे का। सो इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ से, सामने पहाड़, बाइक अपने खड़ी की, अभी पानी का लेवल कम है और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर से आता है सीधा, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो अभी ट्राई करते हैं, अगर हुआ मूव तो नहाएंगे पानी में जाके, एक डुबकी लगा के आएंगे, क्योंकि मैं नहा तो ऑलरेडी नहा धो के आया हुआ हूँ नहा के, बट अभी देखते हैं मूड बना तो जाएंगे। वैसे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो मेरा पता नहीं मुझे, क्योंकि बीमार ना पड़ जाऊँ मुझे ये टेंशन हो रहा है। तो अभी लेट्स सी, यहाँ थोड़ा बहुत बैठूँगा, आराम करूँगा 1-2 घंटे, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, उसके बाद उस तरफ जाएंगे। सॉरी, उस तरफ ये जो रास्ता दिख रहा है इस पहाड़ी के पीछे एक है लामा टॉप, वहाँ पे ट्रैक करके जाना होगा। तो बाइक में वापस अपने होम स्टे में खड़ी करके वहीं से रास्ता जाता है, तो उसके बाद लामा टॉप जाएंगे, और वहाँ से ये आसपास का व्यू बहुत ही अमेजिंग दिखता है। प्लस इसके जो पीछे वैली है वो किन्नौर वैली है, तो किन्नौर वैली का भी व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है उस तरफ से लामा टॉप से। और ये भी रोड है, एक तरह से रोड जा रहा है उस वैली के दूसरी तरफ के लिए, उस तरफ ऊपर भी घर बने हुए हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ बैठते हैं, थोड़ी बहुत टाइम लैप्स बनाऊँगा, थोड़ी बहुत फोटोज़ खींचेंगे यहाँ की जगह की, बहुत ही अच्छी जगह लग रही है।
सो फाइनली मैंने बाइक उस तरफ अपनी खड़ी की थी, तो वहाँ से मैं चल के इस तरफ आ गया हूँ। और यहाँ पे रिवर थोड़ी सी गहरी भी है, ताकि इस पर अगर आपको अंदर जाना हो तो जा सकते हो, जस्ट टू टेक अ डिप। बट अदरवाइज पानी मैंने अभी टच करके देखा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो मेरी हिम्मत हो नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा जाऊँ कि नहीं जाऊँ अंदर। बट देखते हैं अभी क्या करता हूँ, मन तो मेरा बहुत है अभी जाने का। और ये जगह भी मुझे बहुत अच्छी मिल गई, तो पूल टाइप का एरिया है ये, तो एक बार जाके अंदर तो आऊँगा, एक बार अंदर जाके बाहर आता हूँ अभी फटाक से। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, अभी थोड़ा पानी की और अंदर तक जाता हूँ मैं, क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही मैं पहले गया पानी इतना ठंडा था कि मैं बाहर आते आते गिर गया बुरी तरह, पूरा गंदा हो गया कीचड़, तो फिर वापस जाके अच्छे से नहा के आना पड़ेगा। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और अब पर अभी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, अगर धूप नहीं होती तो जान ही निकल जाती मेरी। तो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, सर दर्द हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। रिफ्रेशिंग बात, आई थिंक इट्स टाइम टू गो फॉर अ लिटिल हाइक। तो अभी यहाँ से चलते हैं, बाइक वहाँ पे खड़ी है, बाइक को अभी मैं अपने होम स्टे में रखूँगा पार्क करके, उसके बाद वहाँ से पैदल जाना है ऊपर की तरफ। वैसे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट दिन भर यहाँ बैठ भी नहीं सकता, पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है, पानी बहुत ठंडा था, मैं बाहर बहुत जल्दी से आया और गिर गया मैं पत्थर पे, सो थोड़ी सी चोट लगी, ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी चलते हैं, बाइक उस तरफ खड़ी है।